आज मैं खड़ी हूँ जिमखाना के सामने आज़ाद ग्राउंड में, और मेरे पीछे जो आप जिमखाना देख रहे हैं मुंबई जिमखाना, ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड है। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने बहुत ही बहुमूल्य साल क्रिकेट को तो दिए ही हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने 153 विकेट्स लिए और 45 रणजी ट्रॉफीज़ भी खेली। तो मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसे शख्स से जो बताएंगे अपने खेले गए उस समय के बारे में, और जो उन्होंने अपना टाइम क्रिकेट को दिया उससे कुछ शेयर करेंगे, कुछ अच्छे और कुछ बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार परकार जी, जिन्होंने 45 रणजी ट्रॉफी खेली है, जो बहुत ही गर्व की बात है। तो क्रिकेट की शुरुआत जो है वो बैट पकड़ने की पोजीशन से ही शुरू होती है। बिल्कुल, बैट पकड़ने की शुरुआत जो है बेसिक उस वहीं से शुरू होती है। तो होता क्या है कि बच्चा अगर कोई गलत ग्रिप पकड़ ले, गलत बोले कैसा कोच है, बैट पकड़ने नहीं सिखाया तेरे को। हाँ, तो वहीं से शुरू होती है कि भाई बैट पकड़ने से पहले ये जो सबक है उसका जो लेसन है वो पहले बैट कैसे पकड़ना, और बैट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हाथ का जो वी पोजीशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी जो है राइट हैंड का वी टूवर्ड्स गली। तो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। जी, ये वी, ये और ऊपर जाना, और ये पीछे, और ये नीचे, हाँ ये बराबर जा रहा है गली में, ये आ रहा है फर्स्ट स्लिप। बॉलर वहाँ है, लगता है मुझे तो काफी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, गुरु है आप तो। तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने जुल्फी जी से सीख लिया कि बैट को कैसे पकड़ना है एटलीस्ट। जुल्फिकार जी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में क्या बताना, जो गावस्कर, रवि शास्त्री, अशोक मांकड़, संदीप पाटिल, वेंगसरकर के साथ मिलके जो 8 साल मैंने गुजारे अच्छे एक्सपीरियंस वाले, और उनके साथ मिल खेल के बहुत ही अच्छा भी लगा। आज 58 साल के हो गए लेकिन पुराने दिन याद करके अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस वक्त बॉम्बे टीम में अकेला ही मुसलमान था। उसके बाद गुलाम भाई आए, मेरे बड़े भाई, जो एक टेस्ट मैच और 10 वनडे खेल चुके हैं, और इस दरमियान 8-9 साल के इसमें कभी हम मेरे को मतभेद कुछ न कभी ऐसा फील हुआ कि भाई हम दूसरी जात से, इतने मिलजुल के रहते थे गावस्कर बोलो, संदीप पाटिल, वेंगसरकर, कभी एहसास नहीं होने दिया कि भाई हम कोई दूसरी कम्युनिटी से हैं। जुल्फी जी, मैं ऐसे कुछ लोगों से मिली हूँ जो मुस्लिम हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब रहा है कि अगर मुस्लिम वैसे तो क्रिकेट टीम में बहुत कम होते हैं, 1 या 2, तो उनके साथ बहुत ही पार्शियलिटी होती है। तो आपको कभी ऐसा लगा या आपने कभी ऐसा देखा? नहीं, ये उस वक्त 20-25 साल पहले भी ऐसे कभी पार्शियलिटी हुई नहीं, और आज भी पार्शियलिटी नहीं होती है। जिसका जो परफॉर्मेंस वाइज बराबर सबको चांस मिलता है। अब जिसको माइनॉरिटी है तो उसका अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको एहसास होता है, फील होता है, लेकिन वो ऐसा कभी भेदभाव तो हुआ नहीं है, इंडिया में तो खासकर होता ही नहीं है। जुल्फी जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इस क्रिकेट की दुनिया को कितने साल दिए हैं? ऐसे तो मैंने अभी तक क्रिकेट की दुनिया में 35 से 40 साल बिताए। मेरा गांव है चिपलून, कालुस्ता, रत्नागिरी में, तो वहां पर मैं पढ़ा करता था, लेकिन पढ़ाई में ध्यान उतना था नहीं, तो मेरे को जो हमारे मास्टर थे वो 5वीं से उठा के 4वीं में डाल देते थे, फिर वापस कभी 3री में, तो डैडी ने जो है उठा के देखे कि भाई ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो बम्बई में अंजुमन स्कूल में डालती है। तो अंजुमन स्कूल में आने के बाद वहाँ पर एक टेंडेंसी है वहाँ की कि भाई क्रिकेटर्स को जो है ना क्लास अटेंड नहीं करना है, उनको वैसे ही पास करते थे क्योंकि उनका एक स्टेटस है कि भाई ये क्रिकेटर है। अब वो वहाँ पर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक कभी क्लास में खेला करते थे, खेलते 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 इतने
कोच पहले हुआ नहीं करते थे, लेकिन खेलते खेलते जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हुए अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ऐसे अंडर 22 खेलते हुए अंडर रणजी ट्रॉफी तक पहुँचे। अब ये रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद हम लोग, मेरे को जो है ना बोर्ड BCCI ने क्रिकेट कैंप लगाया ब्रेबॉन स्टेडियम में कर्नल हेमू अधिकारी के बीच में, और वहाँ पर आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग, ये रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि भाई विकेट कीपिंग कैसी करनी चाहिए, बैटिंग कैसी करनी चाहिए। और वैसे भी गावस्कर ये महान खिलाड़ियों के साथ रह रहे के जो है खेलते गए। तो आपने जो है रणजी ट्रॉफी को कितने साल दिए हैं? रणजी ट्रॉफी 8 साल खेला, उसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके खिलाफ भी खेला, पाकिस्तान के खिलाफ भी शारजा में खेले, और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है रणजी ट्रॉफी में मेरा, 10 विक्टिम्स बिहाइंड द विकेट्स, 45 मैचेस में मेरे टोटल विक्टिम्स 153 विक्टिम्स है, जितने इतने ज़्यादा किसी के हैं भी नहीं, कोई नज़दीक भी नहीं पहुँचा है उसके, 45 मैचेस में 155 विक्टिम्स बिहाइंड द विकेट्स। तो आपके करियर में कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत ही खुश कर दिया हो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हुए और हमेशा आप उसको याद रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कोई घटना घड़ी नहीं कि कोई खुश होने जैसी, क्योंकि मेरा जो परफॉर्मेंस रहा वो स्टेप बाय स्टेप, और कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई मैं परफॉर्मेंस करते थे और आगे बढ़ते थे, देखते थे सिलेक्टर्स के भाई हाँ इसका परफॉर्मेंस हुआ, ये अगले 16 में हुआ तो 19 में लिए, 19 में हुआ तो 22 में लिए, अंडर 22 सीके नायडू, उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद दिलीप ट्रॉफी खेलने के बाद इंग्लैंड टूर पर एज ए सेकेंड विकेट कीपर रहा मैं, और इंडिया के लिए लगभग प्रोबेबल्स में था, सैयद किरमानी फर्स्ट विकेट कीपर थे और मैं एज ए सेकेंड विकेट कीपर था। जुल्फी जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्रिकेट को इतने सारे साल दिए, अपने अहम साल दिए, तो आज आप जिस पोजीशन पे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि जितने भी महान क्रिकेटर्स रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडिया हो, जो उस ज़माने में खेलते थे और आज वो जिस जगह पर हैं, कोई संतुष्ट है कोई नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं जो भी आज पोजीशन है मेरी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इस जो अभी मैं 58 ईयर्स का हूँ, अब ये इसमें एक स्कूल को कोचिंग कर रहा हूँ, और जो भी मैंने खेला तो उस हिसाब से BCCI से जो भी मुझे पेंशन मिले उसी से मैं गुजारा हो रहा है। ये बहुत अच्छा ये हुआ कि हम रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स को एक BCCI ने पेंशन शुरू की, और 15,000 रुपये मुझे हर महीने मिलते हैं, उससे खुश हूँ। तो ये जो BCCI ने शुरू किया है ये कितने साल से चल रहा है? ये 8-9 साल से चल रहे हैं, पहले 10,000 थे, 10,000 से अभी 15,000 हुए। तो आप मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, जो आपने इतने साल दिए वो आपके वेस्ट नहीं गए? नहीं, वेस्ट नहीं गए, क्रिकेट खेले तो उसका कुछ तो भी हम लोग को मिला। अब उस वक्त थोड़ा और भी खेल लेता तो 20,000-22,000 मिलते, अब उस वक्त क्रिकेट रणजी ट्रॉफी को इतनी अहमियत दिए नहीं, वरना 10-15 रणजी ट्रॉफी और खेल लेते। तो ये पेंशन का कोई क्राइटेरिया है, कोई एज क्राइटेरिया? हाँ, नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा। 1 से 24 तक एक भी रुपया नहीं है, 25 से 49 तक 15,000 है, 49 से 74 तक 22,000 है, और उसके आगे 25। मतलब आपने जितनी मैचेस खेले हैं उसके ऊपर आपकी पेंशन है। तो आप देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कहीं और अच्छा है, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के बाद उनको अगर पेंशन भी मिले उनके मैचेस के अकॉर्डिंगली तो और क्या चाहिए।